तो आज वनो तो डिपार्टमेंट ऑफ फूड क्या क्या स्कीम की डिमांड आवाम खातिर गोनी स्कीम पी एम यू वाई यथ मजिर पे वनो कि दुमान मुफ्त गैस तुम बेनिफिशरीजन यमन बी पी एल या ए वाई कार्ड आल हाल सनरेबल प्राइम मिनिस्टर सबन लॉन्च कर्मुत तो अच्छी बारामूलस मं रोज मीन गुजारिश तुम गरीब कुमन खातिर तुम बी पी एल कार्ड या ए वाई कार्ड वल आन तान गैस मिलाम कहें तुम गसिन नजदीकी यम त गैस डीलर आसन मे बसान गुतारस बम्बई गैस एजेंसी दुन तो बेदार गुन इसका मकसद है जो हमारी आवाम है वो गवर्नमेंट के साथ जुड़े और हमारी ऑर्गेनाइजेशन बतौर ब्रिज हमेशा काम कर रही है ताकि सरकार की तरफ से दी जाने वाली हर किसी स्कीम का फायदा आवाम को मिले मैं किसी के सामने झुकने की जरूरत नहीं है बट कोशिश क्या है कि एटलीस्ट हमें आगे आना है इतनी ट्रांसपेरेंट गवर्नमेंट है मैं हमेशा से लास्ट टाइम हमारा रिसेंट एक मीडिया कंक्लूड हुआ था सारे मीडिया भाई हमारे हुए थे वो जो डिसइंफॉर्मेशन पे बात हुई थी उस टाइम पे मैंने एक ही बात उस टाइम भी दोहराई थी कि अगर कोई डीसी है अगर कोई आईएएस से लेके आईपीएस ऑफिसर या कोई भी मिनिस्टर हो हमें लगता है कि हमें उनके पास जाना है बट याद रहिए कि हर एक ऑफिसर हर एक मंत्री वो हमारे लिए वो पब्लिक सर्वेंट है याद रखना चाहिए कि उनको हमारे लिए आप लोगों के लिए काम करना है जैसे हमारे घर पे कोई काम होता है हम डिफरेंट लेबरर्स को लाते हैं और शाम को क्या करते हैं हम उनको पैसे देते हैं वो काम करते और जाते हैं वैसे ही करके एक एम्प्लॉयमेंट अगर कोई ऑफिसर है किसी भी डिपार्टमेंट का इज अ पब्लिक सर्वेंट उनको लोगों के लिए काम करना चाहिए और ये हमें एक आम इंसान को चाहिए जरूरत समझने का कि डेमोक्रेसी हमारी जो जमहूरियत है इसमें ये सबसे बड़ी बात यही है जमहूरियत का मतलब है कि अवाम को एक आम आदमी को मजबूत करना मैं कल हमारे जो डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर है तारिक साहब हमारे बारामूला से हैं उन्होंने मुझे एक स्कीम बताई बोला कि अगर एक रिसेंटली डेथ हुई थी बारामूला में एक गरीब खानदान से ताल्लुक रखने वाले एक इंसान थे उनकी तीन बेटियां थी उन्हें एक इंश्योरेंस पॉलिसी निकाली थी बारह रुपए उन्होंने भरे थे पर मंथली उनको 12 रुपए भरने थे बैंक में और उनको जब उनकी डेथ हुई थी फैमिली में कोई पाले वाला थी अप्रोक्सिमेटली उनको 2 से लेकर 3 लाख रुपीज उनकी फैमिली को मिले इतना गवर्नमेंट आपको आपके लिए कर रही है पर अनफॉर्चुनेटली कभी यही है कि या तो डिपार्टमेंट काम नहीं कर रहे या आप लोग सामने नहीं आ रहे और मुझे हमें हमारी ऑर्गेनाइजेशन को क्या जरूरत पड़ी आज आपको और गवर्नमेंट को ऑफिशियल्स को बुलाने के लिए यहाँ पे जब मुझे अंदाजा हुआ मैंने हमने सब डिपार्टमेंट्स को बुलाया उन्होंने वेलकम किया सारे के सारे आ गए 9 डिपार्टमेंट्स आपके यहाँ पे आ गए तो फिर कभी यहाँ पे कि लोग आगे नहीं आ रहे
हमारे बहनों के लिए इतनी स्कीम्स है, चाहे वो शादी हमारे अगर कोई पुअर फैमिली से बिलोंग करती है उनके लिए भी गोल्ड गोल्ड दे रहे हैं, पैसे दे रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट जनरेट की आपको एम्प्लॉयमेंट आपको सिक्योर, आपका फ्यूचर सिक्योर करने के लिए इतनी पॉलिसीज बनाई है, तो इसे ना ब्रोकन ही मनी एटलीस्ट हमारी गलती है। अगर आपको लग रहा है कोई करप्ट ऑफिसर बैठा है, कोई आपसे पैसे मांग रहा है, एक रुपया भी याद रखना, एक रुपया भी, चाहे वो पुलिस डिपार्टमेंट से हो चाहे वो सिविल डिपार्टमेंट से हो, गवर्नमेंट ने इतनी ग्रीवेंसेस सर्व रखी है, आप डायरेक्टली गवर्नर साहब से ग्रीवेंस में मैसेज कर सकते हो। अलीन कौर जी से याकूब लाला साहब ब्राइटर कश्मीर प्रोग्राम हमने ऑर्गेनाइज किया यहाँ पे मुलाकात, जिसका मकसद था कि दैट एक मीटअप हो जाए ताकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर की तरफ से जितनी भी स्कीम्स हो वो किस तरह लोगों तक फ़ायदा पहुँचाती है और किस तरह से लोगों को अवेयर और कर सकते हैं उन स्कीम्स के बारे में, ये मेन मकसद आज था इस इवेंट का। और रही बात, इस इवेंट में हमने अप्रॉक्सिमेटली 9 डिपार्टमेंट्स को इन्वॉल्व किया था, चाहे वो एम्प्लॉयमेंट डिपार्टमेंट हो, सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट हो और फूड डिपार्टमेंट और भी जो बाकी डिपार्टमेंट है, जिनको ऑब्जर्व किया कि बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जिनको अभी तक नहीं पता इन स्कीम्स के बारे में, तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को भी चाहिए इन स्कीम्स के बारे में और अवेयरनेस प्रोग्राम्स चलाए, चाहे न सिर्फ डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, न सिर्फ हेड जहाँ पे इनके हेड ऑफिस है, बल्कि ग्राउंड लेवल पे जहाँ पे छोटी छोटी गांव जो विलेज से वहाँ पे जाए, लोगों से इंटरेक्ट करें, लोगों को बताए, तो तभी ये चीज़ें जितनी भी जो गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं ये सक्सेसफुल हो जाएंगी। और